गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रेलवे गणित का 9700+ किरण प्रकाशन का नया बुक आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में। और इस बुक से भी हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन आपका नंबर सिस्टम है, देखना चाहिए। और नंबर सिस्टम का टाइप वन का पहला क्वेश्चन देखिए। आपको इस चैनल पर इस बुक का और किरण एसएससी प्रकाशन का 11000+ का दोनों का सोल्यूशन मिलेगा और पूरा कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। और सबसे शॉर्टकट, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा, सबसे तेज सोल्यूशन रहेगा। इस चैनल पर आप देख सकते हैं किसी से भी कंपेयर करके। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस चैनल पर इस बुक से 9700+ रेलवे गणित का पहला वीडियो होगा नंबर सिस्टम का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका है आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 9/9/1996 का क्वेश्चन। आपको दोनों अप्रोच बताएंगे, शॉर्टकट अप्रोच भी और बेसिक अप्रोच भी, लेकिन ज्यादातर आपको शॉर्टकट आना चाहिए क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए होंगे, ऐसा सोचकर हम चलेंगे। तो देखिए, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होना या कमी होना का मतलब होता है अंतर। तो पहली संख्या अगर जो एक रेशियो में है तो उसे 13 गुना करना है, मतलब एक का 13 गुना तो 13 हो जाएगा। यहाँ ये दोनों का मतलब कितना की वृद्धि हुआ है, 1 से 13 हुआ है, मतलब 12 की वृद्धि हुआ है। और प्रश्न में दिया है 180 की वृद्धि, मतलब 12 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है तो 180, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/12 यानी कि 15। तो आपसे क्वेश्चन में वही संख्या पूछा था तो 1:1 का वैल्यू कितना हो गया 15। पहली संख्या 1:1 में था, 1:1 का वैल्यू 15। अगर जो 13 गुना हुआ वो वाला संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, मतलब कितना हो जाता है तो 15 गुना 13। इस प्रकार से 15 से 45 के 5 बाकी 4, 15 कम 15 4 19। लेकिन आपसे पहली संख्या पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया गया है। इसका मेथड सेकेंड आप बेसिक से इस तरह से बना सकते हैं कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 13 गुना हो जाता है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13x। दोनों का अंतर कितना दिया है, वृद्धि कहने का मतलब अंतर, 180 दोनों का अंतर दिया है तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, यानी कि 13x-1x=180। 13x में से 1x घटाएंगे तो 12x=180। तो यहां से x का मान कितना हो गया 15, और ये x का मान जो 15 हुआ ये आपका क्या हो गया पहली संख्या, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, इसका भी आपको बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए आपको पता होना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब दूसरी संख्या 1:1 में है तो पहली संख्या 2 है। और प्रश्न में गुणनफल 1800 दिया है तो 1:1 का वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि प्रश्न में गुणनफल 1800 दिया है, यहाँ गुणनफल 2 गुना 1 होगा, इस प्रकार से दो राशि का गुणनफल है तो वर्गमूल करेंगे, ये 9 दुनिया 18 मतलब 900 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया तो 900 का वर्गमूल कहने का मतलब 30, एक रेशियो का वैल्यू 30। तो इस प्रकार से पहली संख्या कितना हो जाएगा, दो रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 रेशियो का वैल्यू 60 और एक रेशियो का वैल्यू तो कितना 30 हो गया, यानी कि क्लियर होना चाहिए पहली संख्या हो गया 60 और दूसरी संख्या कितना हो गया 30। दैट मीन्स आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेसिक अप्रोच देखिए। बेसिक क्या होता है, दूसरा मेथड जिसे बोलते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर जो दूसरी संख्या हम x मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा इसका दोगुना, कहने का मतलब 2x, ये दोनों का गुणनफल मतलब x गुना 2x बराबर कितना दिया है 1800। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 2 से 900 दुनिया 1800, x² = 900 तो x का मान कितना हो जाएगा 30, x का मान 30 हो गया तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब पहली संख्या इस प्रकार से हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर 2 गुना 30 करेंगे ना तो 2 गुना 30 कहने का मतलब कितना हो गया 60। इस प्रकार से आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 भी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका पूछा गया है, देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 18 मई 1997 को, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या हमने मान लिया कि x है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए कि यदि किसी संख्या का 2/3 मतलब x का 2/3 कितना होगा 2x/3, ये किससे घटाया जाए तो लिखा है उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, मतलब x का 7/3 कितना होगा, x का 7/3 तो 7/3 x हो जाएगा, इससे घटाया जा रहा है इसे तो कितना होता है, ये होता है परिणामी संख्या जो होती है 2 अधिक होता है संख्या से, मतलब संख्या x है x से 2 अधिक होगा, इस प्रकार से x+2। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 3 हो जाएगा तो 7-2 यानी कि 5x/3
और ये x प्लस दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5x बराबर 3x प्लस 6 यानी कि 2x बराबर 6, तो x का मान कितना हो गया 3, x का मान 3 हो गया तो वो संख्या आपका कितना हो गई, x हमने संख्या को माना था तो वो संख्या आपका 3 हो गया। जो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आरआरबी पटना सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 14/6/1997 का, जब किसी संख्या को 1300 गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, वाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं यानी कि विकल्प के द्वारा। तो अगर जो हम तीसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं तो तीसरा ऑप्शन में देखिए 427/35 इस प्रकार से लिखा गया है 42735, इसमें हम अगर जो कितना से गुना करने बोल रहा है 13 से, 13 से गुना करते हैं तो क्या होता है सारा 5 आता है या नहीं, देख सकते हैं आप गुना हम कर रहे हैं 13/5 के 5 बाकी 6, फिर 13/3 39, 39/6 45 के 5 बाकी 4, फिर 63/91, 91/4 95 के 5 बाकी 9, 13/2 26, 26 और 9 35 के 5 बाकी 3, फिर 13/4 52 और 3 55, देख सकते हैं इसमें सारा आपका 5 आ रहा है यानी कि टोटल जो अंक है 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन मेथड से इसे बनाते हैं ऐसे प्रश्न को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ये आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 11/1998 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है तो गुणनफल बताइए। दो संख्या मान लेते हैं कि x और y है, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस y, मान लेते हैं कि x बड़ा है y से तो अंतर x माइनस y होगा, अंतर दिया है कितना 14 और योगफल कितना दिया है तो 20। अब दोनों संख्या निकालना बहुत ही इजी है, अगर जो हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, यानी कि x का मान कितना हो गया तो 17 और x 17 हो गया, तो x का मान किसी में भी रख सकते हैं, जैसे x प्लस y आपका 20 है तो x का मान 17 हो गया तो y कितना होगा यहाँ पर से, y का मान हो जाएगा आपका 20 - 17, कहने का मतलब y का मान 3 हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब x गुना y पूछा जा रहा है तो कितना होगा, x का मान 17, y का मान कितना 3, तो 17/51 हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3। लेकिन इसे बनाने का मेथड सेकंड इस प्रकार से दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपके प्रश्न में योगफल और अंतर दिया रहता है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी कि 20 + 14/2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 + 14 कितना 34/2 तो 17, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाते हैं और 2 से भाग देते हैं इस प्रकार से, तो 6/2 मतलब 3, और ये दोनों का क्या करते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो आया दोनों का गुणनफल करते हैं तो गुणनफल कितना हो जाएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 17 × 3 तो कितना हो जाता है 51, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, कोई संख्या है जिसका दो अंकों का योग 5 है, आगे लिखा है यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है तो वह संख्या क्या है, ऐसे प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन से बनाना है, बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चारों ऑप्शन हम लिखते हैं 41, 23, 50, 14, पहला ऑप्शन में 41 है, दूसरा ऑप्शन में आपका कितना है 23 है, और तीसरा ऑप्शन में कितना दिया गया है 50, और चौथा ऑप्शन में आपका कितना दिया गया है तो ये है 14। क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या लिखा है कि एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, तो दोनों अंकों मतलब इकाई 1 है और दहाई 4 है, तो 4 + 1 इकाई दहाई जोड़कर कितना, ये आपका 5 आ रहा है, यहां पर भी 2 + 3 तो ये भी 5 आ रहा है, उसके बाद 5 + 0 तो ये भी आपका 5 आ रहा है, और 1 + 4 तो ये भी आपका 5 है, यानी कि पहला कंडीशन चारों ऑप्शंस में सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है। अब अंकों को बदल देते हैं, जैसे 41 है तो 41 को मतलब इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर देंगे, मतलब 41 को हम उल्टा करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर कितना होगा, मतलब 41 को हमने क्या किया 14 किया, तो अंतर कितना होगा, मतलब 41 - 14 करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 11 में से 4 जाएगा 7 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 27, और बोल रहा है क्वेश्चन में 9 आना चाहिए तो ये 27 9 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए 23 का हम अंकों को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों का अंतर करेंगे मतलब 32 में से आप 23 घटाइएगा तो कितना होगा, देख सकते हैं 9 होगा, और 9 9 के बराबर है,
प्रश्न में भी बोला है अंतर न होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका हो जाएगा, मतलब सिक्स का ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन। यदि तीन अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को पांच अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या होगा? तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होना चाहिए, एक पर चार जीरो होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, यानी कि 10,000। और क्या बोला है, इसमें से किसे घटाना है? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, तो इसे आपको घटाना है। घटाइए तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहां पर 9 हो गया, यानी कि इस प्रकार से 9001। और 9001 आपका ऑप्शन नंबर देखिए सेवन का कितना दिया गया है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सात के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 64 का 3/4, 64 का कितना 3/4, तो 64 का 3/4 पहले निकालिए, तो 64 × 3/4 कहने का मतलब ये 16 × 64 तो 48 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, और 48 का 2/3, 48 का 2/3 मतलब 48 का मतलब गुना होता है, ये पता होना चाहिए, 16 × 48 तो कितना हो गया, ये आपका 32, 48 का 2/3 32। क्या लिखा, 64 का 2/3 और 48 का 2/3 का अंतर, मतलब ये दोनों का अंतर, 48 और 32 का अंतर जानते हैं 16 होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 48 − 32 तो कितना हो जाएगा 16, और 16 आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए चार नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। एट के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे बताते हैं, यहाँ नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीन अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को पांच अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए, तो ये तो यही क्वेश्चन है ना, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो आपका 9001 आ रहा है, यानी कि सेवन नंबर और नाइन नंबर आंसर सेम है, लेकिन 9001 दिया है, ये भी आपका चौथा ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेवन जो हम अभी बताए हैं यही आपका नाइन नंबर है, सेवन और नाइन दोनों एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए टेन, यदि बढ़ती हुई सात लगातार संख्याओं में चार का योग 70 है तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा, क्योंकि बढ़ते हुए लगातार सात संख्या आपको बताना है सबसे पहले, तो x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, फिर कितना होगा x प्लस 5 और x प्लस 6, ये आपका सात संख्या हो गया बढ़ती हुई लगातार, x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। क्या लिखा है, प्रथम चार का योग, मतलब इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, मतलब इतना का योगफल आपके प्रश्न में 70 दिया है, तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस, ये आपका x प्लस 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, x प्लस 2 चौथी संख्या, x प्लस 3 इतना का योगफल 70 दिया है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम दो संख्याओं मतलब ये दोनों का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि x प्लस 5 और x प्लस 6 का योगफल कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4 x हो जाएगा, प्लस 2, 1, 3, 3, 6 = 70, यहां से 4x = 70 में से 6 आप घटा देंगे तो 64 होगा, और 16 × 64 मतलब x का मान कितना हो गया 16, x का मान यहां पर 16 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 16 + 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 + 6 यानी कि 21 + 22 तो कितना हो जाएगा 43, और 43 आपका ऑप्शन नंबर कितना है 10 का, देखिए चौथा नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। दो संख्या मतलब एक्स प्लस वाई, ये दोनों का योगफल कितना दिया है, तो 16 दिया है, और क्या लिखा है क्वेश्चन में कि उनका गुणनफल 55 है, यानी कि एक्स गुना वाई बराबर कितना है 55 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या x का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या y का व्युत्क्रम 1/y, तो योगफल 1/x + 1/y होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पता होना चाहिए x y LCM होगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा y × 1y + x × 1x, कहने का मतलब y प्लस x या x प्लस y कितना दिया है, तो 16, दोनों संख्याओं का योगफल 16 है और x गुना वाई 55 है, तो 16/55 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरा नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इसका मान बताना है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 115 + 2/3 लिखा है,
ये माइनस इसे हम सजा कर लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से कैसे बनाते हैं, तो 115 प्लस 2 बटा 3 और माइनस 13 और यहां पर प्लस रहता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इस प्रकार से, और ये 22 और प्लस 1 बटा 5, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, पहले ये आपको पूर्णांक को हल कर लेना है। तो ये 22 में से पहले 13 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 22 में से 13 घटाएंगे इस प्रकार से तो 9 हो जाएगा, और 115 और 9 कितना होता है तो 124, दैट मींस कहने का मतलब 124 हमने लिखा। अब इसके बाद भिन्न वाले को हल करेंगे, दैट मींस 2 बटा 3 यहां लिख देते हैं, 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 5 और माइनस ये 1 बटा 7, अब इसे हल कर लीजिए, तो इसे हल करना बहुत ही है आपका, ये तो 124 ऐसे ही रहेगा, एलसीएम 3 5 7 का कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 से 105 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा 105 में तो 35 होगा, 35 × 70 प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो 21 होगा, 21 से कम 21 माइनस 7 से भाग दीजिएगा तो 15 होगा, तो यहाँ पर 15, और हल कर देंगे ये दोनों को, या 21 में से 15 घटाइए तो 6 होगा और 70 और 6 76, यानी कि 124 प्लस कितना हो गया 76/105, तो प्लस की जगह पर हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 124 पूर्णांक 76/105। ये आपका ऑप्शन नंबर 12 का देखिए कितना दिया गया है, 124 पूर्णांक 76/105 ऑप्शन नंबर दूसरा आपका दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 12 95/15 91 को जब निम्नतम पद में घटाया जाता है तब वह क्या है, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो पता होना चाहिए ये 37 का मल्टीपल है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 37 × 35 और इसे लिख सकते हैं 37 × 43 इस प्रकार से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप गुना करके देख सकते हैं, तो ये 37 से 37 कैंसिल हो जाता है, मतलब 35/43 आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है, और 35/43 आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ये 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 और 15 क्वेश्चन नंबर देखिए 14 पहले 14 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, बृहत्तर मतलब बड़ी संख्या, क्षुद्रतर मतलब छोटी संख्या, लिखा है बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की 11 गुनी है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या क्या लिखा है 11/1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बड़ी संख्या आपका 11 है तो छोटी संख्या 1 है, तो हो गया ना बड़ी संख्या 11 गुनी है छोटी संख्या का। क्वेश्चन में दोनों का योगफल दिया है 2760, यहाँ दोनों का योगफल कितना है, मतलब 11 और 1 का योगफल कितना तो 12, यानी कि 12 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 2760, एक रेशियो का वैल्यू निकालिए तो 12 से कैंसिल करेंगे ना, 12 × 24 फिर 27 में से 24 घटाएंगे 3 और 6 मतलब 36, तो 12 × 36 और ये 0, एक रेशियो का वैल्यू 230 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो 11 और 1 का अंतर कितना होता है 10, यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 230 × 10 मतलब 2300, और 2300 आपका ऑप्शन नंबर देखिए 14 का 2300 3 नंबर ऑप्शन दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, वे संख्याएं क्या है, तो ऐसे प्रश्न को अगर जो आप बाई ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत बेटर रहेगा, बाई ऑप्शन अगर जो हम चौथा ऑप्शन टेस्ट करते हैं कितना लिखा है 21,16, तो ये दोनों का गुणनफल करके देखेंगे 21 × 16 तो कितना होगा, देखिए 16 × 16 = 6 बाकी 1, 16 × 32 और 1 = 33, दोनों का गुणनफल 336 है, पहला आपका जो स्टेटमेंट दिया है क्लियर है। आगे लिखा है उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, तो योगफल, योगफल कहने का मतलब 21 + 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ सकते हैं तो 6 × 1 = 7 हो गया, 2 × 1 = 37 और 21 − 16 देखिए तो ये कितना होगा 5 होगा, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, तो योगफल 37 है और अंतर 5 है, तो योगफल है जो देख सकते हैं क्लियरली, योगफल आपका है जो अंतर से कितना अधिक है तो 32 अधिक है ना, यानी कि 5 से यानी कि 37 है जो 32 ज्यादा है, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बाई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसे आप डिटेल से बनाइएगा तो यहाँ बना देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15 का बेसिक मतलब इसे आप दूसरा मेथड भी समझ सकते हैं, दूसरा मेथड देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y दोनों का गुणनफल 336 हमने ले लिया, लिखा है क्वेश्चन में
उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, यानी कि योगफल है जो मतलब x प्लस वाई है जो किसके बराबर है उनके अंतर से मतलब x माइनस वाई से। मान लेते हैं कि संख्या आपका दो संख्या x और y है और x बड़ा था y से, तो अंतर x माइनस वाई होगा, योगफल x प्लस वाई होगा। तो लिखा है योगफल है जो अंतर से 32 अधिक है, तो अंतर से 32 अधिक इस प्रकार से। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो x प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 32, इसे हल करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 32। यहां से देखिए क्लियर आपको दिखना चाहिए, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई टू वाई बराबर 32, तो y का मान कितना हो गया 16 दुनी 32, यानी y का मान हो गया 16। जब y 16 हो गया तो x का मान निकाल सकते, इसमें कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि दोनों का गुणनफल 336 है ना। तो यहां पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, x गुना कितना y की जगह रख सकते हैं 16 बराबर कितना 336, और 16 से कैंसिल करेंगे 16 दुनी 32 और 16 कम 16, तो x का मान कितना हो गया तो 21। x का मान 21, y का मान 16। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या बताना है ना, तो 16 और 21 तो हो ही गया, या 21 और 16 जो भी बोलिए, 21 और 16 या 16 या 21, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ये आपका हो गया बेसिक अप्रोच, तो दोनों अप्रोच आपको आना चाहिए, ज्यादा आपका बेस्ट है बाई ऑप्शन यूज करना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका है 14, 19 बटा 15, 51 को निम्नतम पद में लिखना है इस प्रकार से, तो बहुत ही इजी है, आपको पता होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 43 गुना 33, और इसे लिख सकते हैं 47 गुना 33, और 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा तो 43 बटा 47 आपके प्रश्न का आंसर होगा, और 16 का 43 बटा 47 ऑप्शन नंबर 2 दिया है। इसके बाद 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। ये क्वेश्चन आपका है, एक संख्या को 2 से गुणा किया गया एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया, इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, तो शेष क्या होगा। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाएगा तो भी बहुत ही बेटर है, या आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो बेसिक हम बता देते हैं, बाई ऑप्शन तो आप कर लेंगे। बेसिक देखिए क्या है कि एक संख्या को 2 से गुणा किया गया है, तो वो संख्या मान लेते हैं क्या है, संख्या x मान लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्या लिखा है, एक संख्या को 2 से गुना किया गया है, मतलब 2x हो गया। फिर लिखा है एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया, इसमें 16 जोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, 16 जोड़ दिया गया, उसके बाद इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया, इसमें 2 से भाग देना है, बटा 2 कर दिए। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे देखिए, एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया है, मतलब मूल संख्या जो है ये x इसमें से घटाया गया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे बोला जा रहा है इतना लिखने के बाद तो शेष क्या होगा, मतलब इसे हल करना है। तो x को x बटा 1 लिख सकते हैं, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो 2x प्लस 16 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 दूनी 2 तो x दूनी 2x, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि ये आपका 16 बटा 2 सिर्फ बचा, तो 16 बटा 2 को हम लिख सकते हैं 8, और 8 आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। ये आपका बेसिक हो गया, और बाई ऑप्शंस तो आप चल ही सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 सतत सम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 140 है, तो बृहत्तम सम पूर्णांक संख्या क्या है। आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ध्यान से देखिए क्या होगा, यहां पर आपको समझना होगा। 7 संख्या है तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हमने ड्रा कर दिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और औसत कहने का मतलब होता है बीच वाला, तो 3 इधर से और 3 इधर से हमने छाक लिया, तो बीच वाला ही आपका जो संख्या होगा वही औसत होगा, सारा आपका सम संख्या ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है। तो 7 संख्याओं का योगफल, सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, तो आपको पता होना चाहिए औसत कितना होता है, योगफल बटा संख्या, तो 140 बटा कितना होगा, 7 सम संख्याओं का है तो 140 बटा 7, तो 140 बटा 7 यहां पर होगा, 140 बटा 7 कहने का मतलब कितना, 20 सते 4 से, यानी कि ये आपका कितना है 20 है, तो औसत आपका 20 हो गया 7 संख्याओं का, और ये 20 है तो अगला सम संख्या 22 होगा, इसके पहले वाला सम संख्या 18 होगा, इसके अगला 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, अगर जो ये हमें चाहिए तो 16, इसके पहले 14, तो सारा आपको निकल कर आ गया। जो पूछे आप बता सकते हैं, क्या पूछ रहा है कि बृहत्तम सम पूर्णांक संख्या क्या है, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, तो 26 आपका आंसर हो जाएगा, और 26 आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ये आपका 18 का 3 नंबर ऑप्शन दिया है। अगर जो लघुत्तम पूछता सबसे छोटा तो 14 हो जाता, और क्या पूछता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, फिर
26 और 14 का अंतर तो 12 हो जाता। ये तीन प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या 26 हो गया, सबसे छोटी संख्या 14 हो जाता, और फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछता तो कितना हो जाता, ये 14 और 26 का अंतर तो 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। ऑप्शन है 38, 73, 48 और 84। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाते हैं, तो बाई ऑप्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया है, और सारे ऑप्शन चारों ऑप्शन में देखिए तो इकाई और दहाई का अंतर, 8 और 3 का अंतर 5 है, 7 और 3 का अंतर 4 है, 4 और 8 का अंतर 4 है, 8 और 4 का अंतर 4 है। डेट मीन्स कहने का मतलब क्वेश्चन में पहले लिखा है अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो अंकों का अंतर पहला ऑप्शन में 8 और 3 का अंतर 5 है, मतलब ये आपका नहीं होगा क्योंकि अंतर 4 होना चाहिए, 4 के बराबर नहीं है, अंतर 4 होना चाहिए इकाई और दहाई का, तो यहाँ पर 8 और 3 का अंतर 5 है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में आपका 7 और 3 का अंतर 4, 4 और 8 का अंतर 4, 8 और 4 का अंतर 4 है। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है कि यदि अंकों को परस्पर बदल देते हैं अंकों को, तो क्या होता है, उनका योगफल 110 हो जाता है, तो 73 को हम उल्टा करेंगे तो 37 होगा। अब इसके बाद 73 को हमने उल्टा किया तो 37 हुआ, और ये दोनों का योगफल करेंगे 73 प्लस 37 तो कितना होता है, तो 110 होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 7 3 10 7 3 10 11 110 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 7 और 3 का अंतर 4 है, और 7 और 3 का अंतर 4 है, और 73 को हम उल्टा करेंगे, अंकों को परस्पर बदलेंगे तो 37 हो जाएगा, तो ये दोनों का योगफल कितना होता है, ये दोनों का योगफल आपका हो जाता है 110, जो आपका क्वेश्चन में दिया है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, 73 आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं में अंतर 14 उनका योग कितना 20 है, तो गुणनफल कितना होगा, कि अंतर कितना दिया है 14 और योगफल कितना दिया है क्वेश्चंस में 20, तो क्या पूछ रहा है गुणनफल कितना होगा, तो ये क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार से दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी कि 20 प्लस 14 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 34/2 मतलब 17। दूसरी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, और गुणनफल कह रहा है मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 17 × 3 मतलब 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 आपका इस प्रकार से है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से दोगुना तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को आपको बाई ऑप्शंस बनाना है, 21 नंबर को भी आपको बाई ऑप्शंस करना है, तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला कंडीशन है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, तो पहले अंकों का योग 14 किसमें किसमें होता है, जो देखिए तो 4 + 4 + 6 तो 4 4 8 6 14 इसमें हो रहा है, यहाँ देखिए 4 + 2 + 1 4 + 2 6 और 1 7 हो रहा है इसमें, मतलब ये आपका नहीं होगा, यहाँ देखिए 4 + 8 + 2 तो 8 4 12 2 14 इसमें हो रहा है, और 8 + 4 + 2 8 4 12 2 14 ये भी आपका हो रहा है, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका कट गया। That means, कहने का मतलब जो पहला कंडीशन दिया था अंकों का योगफल 14 होना चाहिए, उससे ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अंकों का योग हो रहा है 7। अब आगे देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट कंडीशन, यदि दहाई इकाई से दुगना हो, अब देखिए दहाई रहना चाहिए जो इकाई से दुगना रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या लिखा है क्वेश्चन में, दूसरा कंडीशन लिखा गया है यदि दहाई इकाई से दुगना हो, दहाई आपका 4 है, इकाई आपका 6 है, तो 6 का यहाँ क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तो 6 का दुगना यहाँ पर कितना होगा 12 होगा, अगर जो 12 हो जाएगा यहाँ पर तो आपका ये 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, और 3 अंकों वाली संख्या क्वेश्चन में बोल रहा है तो ये आपका गलत है। आगे देखिए यहाँ पर दहाई और इकाई, तो एक का यहाँ पर दुगना है, और आगे देखिए क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है, आगे देखिए ये तो आपको ऑप्शन कट गया, ऐसे ही पहले ही काट दिए थे, अंकों का योगफल 7 हो रहा था, 14 होना चाहिए था, ऐसे ही ऑप्शन आपका नहीं हुआ, पहला दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 का दुगना यहाँ होना चाहिए, तो 2 का दुगना कितना होता है 4 यहाँ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 8 है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। यहाँ देखिए 2 का दुगना होना चाहिए तो 4 है, फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि इकाई सैकड़ा की चौथाई होना चाहिए, मतलब इकाई का अंक 2 है, जो सैकड़ा आपका 8 है, इसका चौथाई, तो 8 का चौथाई कितना होता है, मतलब 8/4 तो 2, तो आपका 2 है, यानी कि सैकड़ा 8 है, 8 का चौथाई 2 है ना इकाई के स्थान पर, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर होगा 21 का। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन से ही बता देते हैं,
22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को हमने कितना मान लिया, x। क्या क्वेश्चन में लिखा है, एक संख्या के 4 गुना से, मतलब इसमें 4 से गुना करना है, इससे 4 गुने से 15 कम, इससे 15 कम करना है, ये किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है, मतलब 4x बराबर 9 प्लस 15 यानी कि 24, तो 4×6=24, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, वह संख्या आपका कितना हो गया 6, और 6 आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तो 22 का 6 ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। इसके बाद 22 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 23, दो संख्याओं का अंतर 11 है, तो सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या हमने मान लिया इस प्रकार से, दो संख्याएं क्या क्या हमने माना है कि दो संख्याएं x और y है, और x और y हमने माना है जिसमें x को हमने बड़ा मान लिया कि x बड़ा है y से, तो क्वेश्चन के अनुसार दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, x को बड़ा हमने माना है तो x माइनस y हो जाएगा अंतर, तो x माइनस y बराबर 11 दिया है इक्वेशन 1। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, उन संख्याओं के 1/5, उन संख्याओं के 1/5 कहने का मतलब दोनों संख्याओं के जोड़कर, मतलब x प्लस y का 1/5 इस प्रकार से, कितना है उन संख्याओं के 1/5 भाग का योगफल 9 है इस प्रकार से, तो यहाँ पर x प्लस y कितना हो जाएगा 5×9 यानी कि 45, ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब डायरेक्ट बना सकते हैं कि x प्लस y है 45 और x माइनस y कितना है 11, तो यहां से जोड़ने पर प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर से 56, तो x का मान कितना हो जाएगा 28, और x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे x प्लस y कितना है तो 45, जिसमें से x आपका है कितना 28, तो y कितना होगा यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं 45 माइनस 28, तो यहां से हो जाएगा कितना 17, यानी कि x और y का मान कितना हो गया, तो x का मान आ गया 28 और y का मान कितना हो गया 17, तो 28 और 17 आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर है ये चौथा नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां बताने जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, तो मान लेते हैं कोई भी संख्या यहाँ पर x है और इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, ये दोनों का योग मतलब x प्लस 1/x ये किसके बराबर है, जो क्वेश्चन में लिखा है इस प्रकार से, किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना है, मतलब ये संख्या x और इसके व्युत्क्रम 1/x का अंतर का 4 गुना है इस प्रकार से दिया गया है। अब इसे सोल्व करना है, तो x का मान आपको निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा एलसीएम x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 और इधर कितना हो जाएगा इस प्रकार से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर भी उसी प्रकार से x और x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू 4, ये x x दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 ये 4x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो 4x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये पहले से प्लस 1 है माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर 5, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5/3, तो x का मान कितना हो गया रूट अंडर 5/3, और ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 25,